तूफान के हालात मुंबई में इस वक्त बने हुए हैं, और इसी वजह से बातचीत करना, लोगों तक अपनी उन तक संपर्क कर पाना भी थोड़ा कठिन है। हमारे सहयोगी पंकज खेलकर और पंकज उपाध्याय, दो सहयोगी वाशी में और अलीबाग में हमारे साथ मौजूद हैं इस समय लाइव। और ये सीधी ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में तेज बारिश हुई और अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि शाम को देर रात फिर से तेज बारिश हो सकती है, और इसी आशंका की वजह से, तूफान के हालात की वजह से शाम 7 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पर भी कामकाज बंद कर दिया गया। विद्या गाड़ी में आ गई हैं, हम कोशिश करते हैं अब विद्या से शायद हम बात कर पाएं। विद्या, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, क्योंकि बाहर तेज हवा थी, संपर्क आपसे हो नहीं रहा था, सुन नहीं पा रहे थे आपको हम, अब बोलिए क्या हालात हैं अभी के इस समय वहां। जी देखिए, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहां इस वक्त ये हालात है कि सूरज निकल गया है, धूप निकल गई है, और जो हवा है वही तेज है। लेकिन बाकी अगर कहें कि बरसात की अगर हम बात करें तो बहुत मध्यम हो चुकी है, ना के बराबर बरसात हो रही है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक इस बरसात ने सड़कों का हाल बहुत बुरा कर दिया है, जगह जगह पर पानी जम गया है रोहित। और जैसा आप बात कर रहे थे कि पहली बरसात से ही मुंबई का पता चल जाता है कि मुंबई की सड़कों का क्या हाल होगा, यही देखने को मिल रहा है इस वक्त रोहित। विद्या, सुबह से आप मौजूद हैं लगातार इस तूफान के बीच में, क्या हालात थे सुबह के? ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की, ये बेहद डराने वाली भयानक तस्वीरें। जी बिल्कुल, अलीबाग में जो सेंटर था, आई ऑफ द स्टॉर्म जिसे कहा जाता है, वो अलीबाग में था, और वहां से जो भयानक तरीके से जिस तरह से हवा बह रही थी, हम लोगों ने वर्सोवा में जब हम लोग खड़े थे तो वहां पर भी हमने महसूस किया कि काफी तेज हवाएं चल रही हैं। उसके बाद हम दूसरी जगहों पे जब गए तो काफी जगहों पे पेड़ गिरे हुए मिले, कुछ जगहों पर तो पेड़ गाड़ियों पर गिर गए जिससे काफी भारी नुकसान हुआ है कई लोगों को। लेकिन इस वक्त यही एक चीज है कि जानों का लगातार कोई नुकसान नहीं हुआ है, जान लोगों की सही सलामत है, और यही सबसे बड़ी बात है। यही प्रिपरेशन किसी को करने के लिए बीएमसी पिछले 2 दिनों से जद्दोजहद कर रही थी। जी वापस आएंगे विद्या आपके पास। विद्या हमारी सहयोगी, देखिए इस समय गाड़ी में आना पड़ा उनको, क्योंकि बाहर जो हालात हैं बात करना संभव हो नहीं पा रहा। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिन भर की तस्वीरें। वासी पुल पर तूफान का मंजर कैसा था, बस स्टॉप पूरी तरह से जमींदोज हो गया, गाड़ियों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, हवा से बाइक तक उड़ गई। तूफान में देख सकते हैं आप सड़कों के बीचों बीच किस तरीके से एक के बाद एक पेड़ गिरे हुए हैं, गाड़ियों पर पेड़ गिरे हुए हैं, ये उस तूफान की वजह से हालात हुए। जीपी शर्मा अध्यक्ष हैं स्काईमेट के, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो हमें बता पाएंगे शायद कि आगे का अनुमान क्या है। शर्मा जी, आगे का अनुमान क्या कहता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अभी मुंबई में तेज बरसात हो सकती है, कितनी कितनी बरसात की आशंका है अभी? जीपी शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी करके दिखाते हैं आपको तस्वीरें, जरा अलग अलग तस्वीरें, जो भयानक तस्वीरें, जो इस बात का अंदाजा देती हैं कि यह तूफान कितना खतरनाक हो सकता था, जिसकी आहट, जिसकी दस्तक भर से पूरा शहर हिल गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो तूफान अगर पूरी ताकत के साथ शहर में दाखिल होता तो क्या कुछ हो सकता था। ये देखिए आप तस्वीरें मुंबई के अलग अलग हिस्सों की हैं, मुंबई की सड़कों पर तूफान का कहर किस तरीके से रहा है, खड़ी गाड़ियों पर कैसे पेड़ गिर गए हैं, गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं सड़कों के रेलिंग्स उखड़ गए पेड़ गिरने की वजह से। ये मुंबई की तस्वीर है। इसके अलावा रत्नागिरी में महाराष्ट्र के आप देख सकते हैं समुद्र के भीतर जो समुद्री जहाज थे, बड़े बड़े जहाज, इस तूफान की तेज रफ्तार का सामना करने के लिए डटने की कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे थे। इमारतों के ऊपर टीन की छतें आप देख सकते हैं कैसे उड़ गई हैं इस तूफान की वजह से, तेज रफ्तार हवा की वजह से। बताया जा रहा था कि 125 किलोमीटर तक की रफ्तार हो सकती है प्रति घंटे की इस तूफान की, और इतनी रफ्तार के साथ अगर ये तूफान शहर से टकराता तो आप देख सकते हैं ये छतें किस तरीके से उड़ी हैं टीन की, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और कितना भयानक हो सकता था शहर के अंदर कई इमारतों में, क्या हालात हो सकते थे इस तूफान की वजह से। इन तस्वीरों को देखकर आप एक अनुमान लगा सकते हैं।